अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ महीने पहले हमने ये पीसी का पाकिस्तानी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एकेडमी का प्रोजेक्ट शुरू किया, अल-शरीफ फाउंडेशन का प्रोजेक्ट है। हम वी आर ऑन अ मिशन टू ट्रेन 1 मिलियन एंटरप्रेन्योर्स इन पाकिस्तान। असल में हमें लोगों को इंस्पायर करने के लिए सबसे जो मुश्किल काम है वो इंस्पायर करना है किसी को कि भाई अपना ये जो अब जिस रास्ते में हो इसमें से देखो, किसी सही बंदे से सीखो और आगे कोई काम करो। अब असल में होता क्या है कि मैं बड़ी महीनों से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं लोगों को आपको इंस्पायर कर सकूँ। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप स्टूडेंट हैं, आप वाच कर रहे हैं, आपने एप्लीकेशन शुरू की है तो आप दरमियान में हैं। अगर शुरू नहीं की, अभी आप सोच रहे हैं पता नहीं ये सही है कि नहीं, पता नहीं ये सही बंदा भी है भी नहीं, सीखने वाला है इससे है भी नहीं, कोई बात नहीं, आप मेरे से ना सीखें। मैं बल्कि बड़े बड़े गेस्ट को लाता हूँ, उसमें से आज जो गेस्ट हैं हिशाम सरवर फ्राम इस्लामाबाद, ये माशाल्लाह ये वो हैं, आपको स्टोरी ये खुद बताएंगे, जिन्होंने कहीं फ्रॉम नथिंग, आई मीन नथिंग, फ्रॉम 10 रुपए दिन से अब मिलने वाले से मिलियन डॉलर ऑनलाइन गुरु .com से बना चुके हैं। अब ये सारी स्टोरी के वो 10 रुपए से, वो बल्कि वो तो मांगने पड़ते थे, देने वाला हाथ है वो लेने से बेहतर होता है। बेशक वो 10 रुपए मिलते थे, पेरेंट्स से मिलते थे या किसी और से मिलते थे, डजंट मैटर। अभी हम उनसे पूछेंगे, आज उन्होंने मिलियन डॉलर बनाया है और माशाल्लाह अगर आप इनको, ये पाकिस्तान प्रो पे फीचर भी हो चुके हैं और डिफरेंट मीडिया इंटरव्यू में आ चुके हैं, ये आप में से उनको ऑलरेडी जानते हो। अगर आप नहीं भी जानते तो आप मेरे साथ रहें, आप उनको जानने की कोशिश करें, क्योंकि जो सक्सेस है, अगर आपने जिंदगी में सक्सेसफुल होना है, you have to learn from the best, there's no other way to be successful। balki ye secret jo hai ye mujhe bade saalon baad mehnat karke, bade mentor se pooch pooch ke, minte kar kar ke, seekh seekh ke aakhir mein ye pata chala, if you want to be the best in your life and business you have to learn from the best। jab mujhe ye kuch saal pehle pata chala to maine kaha main to sari zindagi andhere mein raha hu, asal baat ye andhera tha wo total meri thi, mujhe pata nahi kabhi main is cheez pe try karta tha, तो दरमियान में चला कुछ रिजल्ट आया, फिर दूसरे पे चला गया, फिर तीसरे पे चला गया, चौथा चला गया, फिर पता चला मैं बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व हूँ, 24 घंटे काम कर रहा हूँ और रिजल्ट वो नहीं निकल रहे जो मैं चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सक्सेसफुल, मैं ये नहीं बात कर रहा, लेकिन बात करना है जो क्लैरिटी है आपके माइंड में वो कहाँ से आएगी, व्हेन यू लर्न फ्रॉम द बेस्ट। उसी सिलसिले में आज हमारे साथ हिशाम सरवर इस्लामाबाद से हैं। हिशाम साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम शरीफ साहब। सर आपने बहुत बड़ा चढ़ा दे दिया, आई एम स्टिल अ स्टूडेंट और ये आपकी जरा नवाजी है, मैं तो अभी भी खुद सीख रहा हूँ। हिशाम साहब हम इससे शुरू करते हैं, आप कहाँ पे थे, क्या हुआ, किसने आपको इंस्पायर किया जिसकी वजह से माशाल्लाह आप अपनी मेहनत की बुलंदियों पे पहुंचे हैं? मेहनत की बुलंदियां हैं या रिजल्ट्स की बुलंदियां नहीं है, जो कि इसमें बड़ी हार्डवर्क है, आप हमें स्टोरी बताएं सो वी गेट टू नो यू बेटर। ये स्टार्ट हुआ था 1999 में, व्हेन आई वाज अ टीनएजर, आई वाज गोइंग अप और नई नई विंडोज आई थी पाकिस्तान में, तो पहले तो नहीं अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन जब अफोर्ड किया तो got really fantasized by the whole structure of the windows, how it was formed। तो मेरी एज पर जब बच्चे गेम्स खेलते थे, बच्चे कंप्यूटर पे चैटिंग करते थे याहू और एमएसएन पे, और मुझे वो तजस्सुस होता था कि इसने ये बनाई कैसे है विंडोज, इसमें क्या खसूसियत है, हाउ डज द होल थिंग वर्क, कैसे ये सॉफ्टवेयर खुलते हैं, कैसे ये सॉफ्टवेयर बंद होते हैं और क्या पॉसिबिलिटीज हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये विंडोज बनाई किसने, बिकॉज मैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान उस वक्त इंटरनेट का इतना स्कोप हाई नहीं था और ये ऐसा मीडियम था जो कि बिल्कुल, इट वाज इन इट्स वेरी अर्ली डेज, टेलीविजन में बताते कुछ खास नहीं थे, होता भी सर पीटीवी और एसटीएन दो टेलीविजन होते थे, बाकी चैनल्स वगैरह तो थे नहीं इतने। सो वो जो क्यूरियोसिटी थी ना कि स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, हाउ डज द होल ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क, that perhaps was a very good ignition which I needed, wo jo curiosity thi ke aage chalo padho dekho samjho ye hai kya, ye cheez chalti kaise hai, wahan se seekhna shuru kiya, kuch sites dekhna shuru ki, 1999 2000 sab padha tha, fir maine sath sath ye thoda thoda seekhna shuru kar diya, fir samajh lagi kahin se dekh dukh ke videos aage piche site jahan jahan jisna access ho, kyunki internet bhi to apne early days mein tha na, फिर पता लगा कि वेब डेवलपमेंट भी कोई चीज होती है, लोग वेबसाइट्स बनाते हैं, स्टिल इन इट्स अर्ली डेज, मैंने थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू किया, यहाँ से इस्लामाबाद में रहता हूँ आगे पीछे देखने की कोशिश की, कुछ भी नहीं, क्योंकि दिस वाज अ वेरी न्यू थिंग इंटरनेट फॉर पाकिस्तानी जनरली उस जमाने में, एंड यू विल सेकंड मी ऑन दिस, वो लोग कहते थे कि ये शायद टाइम वेस्ट कर रहे हैं कंप्यूटर पर बैठ के 7-8 घंटे, कंप्यूटर से भी कभी कुछ होता है, कंप्यूटर में तो सिर्फ गेम्स खेली जाती है, गेम्स खेली जाती है या चैटिंग की जाती है, काम कहेगा भाई, काम करो, फलाने के बच्चे ये कर गए, फलाने के बच्चे ये कर गए, तो वो जो इनकेट से वो वॉइस आती थी, एक्सेप्ट वन मैन विच इज माई फादर, हु न्यू, हु हैड जस्ट
distrust in me, and I belong to a military background, a big military background, jahan pe mere father aur mere uncle sare jo hai wo fauj se taluk hai, highest rank mein taluk hai, koi brigadier ko bhej jana, unhone kaha chalo kar le to isko, ye kuch karna chahta hai. Main seekhta gaya, main seekhta gaya, main seekhta gaya, college kiya, I've done BCom, BCom ke baad maine MBA kiya, MBA karne ke baad choti moti job start wagera ki, but shaam ko aake wo seekhne ka shauk jo hai wo tha. I wanted to be financially independent. I always thought it is very hard to get me to work and then under someone's supervision. I'm not naturally, I don't think I'm built for that. So I just wanted that independence, creative independence, financial independence. Matlab, bahut mushkil se kaam karna. So main subah job karta tha, phir shaam ko aake seekhta tha computers ko. फिर मैंने वेब डेवलपमेंट की कुछ बुक्स आना शुरू कर, ये बात कर रहा हूँ मैं 2000 की, सब चीजें स्टार्ट, किताबें मिलना शुरू हो गई इंटरनेट के बारे में, डॉट कॉम बबल Y2K आया, आपको याद होगा सिद्दीक साहब, वो इट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ हाइप. सो एक्टिवली बाय 2002 आई वाज हैंड्स ऑन विद क्रिएटिंग वेब डेवलपमेंट. मैं इसको कमर्शियल एस्पेक्ट में नहीं ले लिया, बट मैं सीख चुका था, मैं घर वालों को और अपने रिश्तेदारों को इंस्पायर करता था, देखो एक वक्त ऐसा आएगा कि बिजनेस कार्ड तो पता नहीं शायद हो या हो, रहे ना रहे, सीवी रहे ना रहे, आप पहचाने जाओगे अपने वेब एड्रेस से. मैंने कहा जी ये क्या होता है, मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल सिद्दीक डॉट कॉम या PC.com, whatever it is, you know, that is the kind of vision honestly I had early in 2000. उसी को आगे लेके चलता रहा, बड़ी मार खाई, जाहिर इंटरनेट पे तो कोई पैसे नहीं थे, कोई मोनिटाइजिंग प्रोसीजर नहीं था, जॉब अपनी करता था, जॉब बड़ी लो प्राइस थी, क्योंकि वन ऑफ द blessings I had in my life again was my father, jinhone kaha tha ki I will, jinhone mujhe padha diya, sikha diya, acha bana diya, lekin job on your own, mulazmat dhoondo, karo, career start karo. Aur main jata tha bada 15-15 kilometer ka mera commute hota tha sir by foot, kyunki mere paas din ke 10 rupaye hote the job ke, jo main divide karta tha na salary ko days mein, aur wo mere paas do options hote the, either I take the public transport, okay, this is how my father trained, a public transport use karo, logo mein utho baitho, tumhe paise ki samajh lage, us waqt bada gussa chadta tha. And now if I look back at years, agar kabhi kabhi wo ye bhi video dekhe hain, main bahut sare television programs mein unka zikr karta hu ki that was absolute masterstroke, a classic training, a hands on training a father could give to his son, ke jao logo ke beech mein baitho, public knowledge lo, you know, street knowledge lo, so to speak. और मैं वो 10 रुपए जो मैंने डिवीजन किए होते थे, बैक टू द स्टोरी, मेरे पास दो ऑप्शंस होते थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लूं या फिर मैं 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर चल के घर के करीब एक करियाना होता था, एवरीवन नोज व्हाट करियाना इज, इट्स अ सिस्टम, वहां से मैं पेप्सी पी लूं 8 रुपए की. सो आई यूजली यूज टू प्रेफर दैट बॉटल ऑफ पेप्सी इन द सिजलिंग 40 सेल्सियस हीट ऑफ रावलपिंडी इस्लामाबाद. कैन यू बिलीव दिस, दिस इज हाउ आई स्टार्टेड, दैट्स माय स्टोरी. And that is why I always ask people, तो मेरी स्टोरी अपनी बताए ना, आप अपनी क्रिएट करें, मेरी कोई इतनी शायद इनकरेजिंग ना हो कुछ लोगों के लिए, बट that's how my journey started. मैं सीखता गया साथ साथ, नौकरी मुलाजमत भी करता रहा, टिल द पॉइंट वेयर आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग, टिल द पॉइंट आई लेफ्ट माय जॉब, टिल द पॉइंट वेयर फ्रॉम स्टार्टिंग विद अ सिंगल पीसी, दिस इज अ company of 20 plus people. I have successfully transformed my freelance career to the entrepreneur, as an entrepreneur to digital philanthropist, because I believe Islamic norm hai ki aap society ko pay back karna hai, charity karni hai. Phir maine wo society ke issues ko dekhne shuru kiya, unke bare mein projects ki. So Punjabi mein aur Urdu mein wo kehte hain ki mera to wo mashallah itna bada wo bottle wo tanki hai, aage nalka aap sara din kholte rahenge, main ilm nikalta rahega, batata rahunga storyan. इससे या मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले कर लूं या मैं पेप्सी पी लूं, ही वाज मेकिंग अ डिसीजन गोइंग टुवर्ड पेप्सी. सो इसमें लेसन क्या है, एवरीथिंग ब्रिंग्स इन योर लाइफ, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आती हैं, and you have to make a decision on that one, either you come on that board or you stay away. Kabhi bhi us pe kashti pe pair rakh ke aur ye soche nahi yaar agar koi baat nahi main ye is pe chal jata hu agar maza na aaya to utar jaunga fir main aur apne kaam shuru kar dunga,
That's not a decision. You have to make a decision and stick to that one until you go to the finish line. Ab inhone 7 kilometer paidal chala, finish kiya, wapas aaya garmi mein, fir ek Pepsi pee liya. Pepsi wale ko ye pata chal jaye, this is the best story they can ever have from someone, you know. He knows this. I am like 4 years back, main usi raste se wapas gaya, to maine usko mila, he recognized me, usne kaha acha thoda thoda mote ho gaye ho, sahi rahe baap 8-10 saal ho gaye. So maine kaha ki yaar main ab ek company chalata hu aur sab kuch karta hu. Siddique, he came out of his cabin and he hugged me. उसने कहा हिशाम, is that true? मैं कहा, उसने मुझे कहा, कहता है कि मैं अपने बच्चे को BCS पढ़ा रहा हूँ, जब वो पूरा पढ़ ले, can I refer my son to you? मैंने कहा करो, and his son is still employed with us. Can you believe this? Oh, mashallah, very good. That's even a better story than the simple Pepsi. You know what? ताकि आपने relationship उसे बनाया हुआ है, वो अपने customer को जो Pepsi वाला जो खोखा या करियाना store है, he knows how to value his customer. That's what he has done it with you. He built a relationship with you because you are his customer. Now his son became your customer and employee or something. That's a value of how you build a relationship and keep it for life. Ab mera sawal ye, aap isko watch kar rahe hain, who is your person where you build a relationship outside of your mom and dad, by the way. Aapki ye kaha mere maa baap se rishta hai, wo to understood one way street hai basically. Aap to bachche to hamesha thankless hote hain parents ke, parents hi hamesha one sided aapko dekh rahe hote hain. Bachche kehte nahi nahi, ye to you have not done enough for me. I get that one because I am a parent myself too. I know. So isme ye ke aap se ye niche comment karke ye bataye ki aapki zindagi mein kaun sa aisa relationship aapne banaya hai jisse taaki jis pe aap depend kar sako aur wo aapko, aap usse frankly baat kar sako aur recommendation ki cheez ki le sako. Jaise kriana store ke owner ne Pepsi wale ne Hisham sahab se us relationship ko cash karte hue usse leverage kiya hai, that his son is employed with him, that thank you for creating the job. तो माशाल्लाह आपने वो 10 रुपए से लेके 7 माइल की स्टोरी चलाते चलाते और माशाल्लाह 20 लोगों की कंपनी आप चला रहे हैं, तो उस कंपनी में क्या होता है, क्या करते हैं और आगे फ्यूचर प्लान क्या है, कहां पे आप जाना चाहते हैं उस कंपनी में? राइट, सिद्दीक साहब, कंपनी का नाम है इन्फोमिस सर्विसेज. मैंने जैसे बताया मैं फ्रीलांसर हूं, जब मुझे तजस्सुस होता था कि वेब डेवलपमेंट सीखनी, तो मैंने सीख के ना फिर फ्रीलांसिंग पोर्टल है, one of the world's largest freelance marketplace by the name guru.com. So wahan pe maine services apni offer karna shuru kar diya as a web developer, as a web designer, as a graphic designer. So informist mein ye brand name hai jiske andar ye tamam log hain aur hum projects buyers se lete hain aur buyers se leke idhar in house complete karate hain unko successfully. Something for the audience to look for. Main ab tak almost 5-star feedback maintain kar raha hu in the last 7-8 years, which is itself is a big success story, and I am ranked as one of the top 10 gurus on guru.com or pehla Pakistani jiski wo milestone hai alhamdulillah 7-figure income ki, which is essentially $1 million. Client value, value proposition, client retention, ye wo teen principles hain jinko leke main is organization ko aage chal raha hu. Bahut sare clients ke sath sath hamare internal projects bhi chal rahe hain, jaise maine abhi thodi der pehle zikr kiya tha. We do social projects within Pakistan as well. Unke bhi hum kaam kare. So basically, it's a hub where all development takes place. MashaAllah, very good. That's a real Pakistan, by the way. We are really proud of you, Hisham, ke aap Pakistan ke MashaAllah naam roshan kar rahe hain. Jo puri dunia mein aap America se dollar leke Pakistan mein aa rahe hain, Pakistan mein kama rahe hain. Hame a million Hisham Sarwar chahiye pure Pakistan mein. Aap ye bataye, aapne ye achieve kiya hai. Bahut sare log ye, main aapse bada skeptical se question puchne laga hoon. Bahut sare log ye samajhte hain, यार ये हिशाम कर सकता है मैं नहीं कर सकता, ये सदीक कर सकता है मैं नहीं कर सकता, ये फलां कर सकता है मैं नहीं कर सकता, मेरे में वो क्वालिटी नहीं है, मैं नहीं कर सकता, ये रियल नहीं है, ये दे जस्ट फेकिंग इट अप. आप ये बताएं कि जो बंदा स्केप्टिकल माइंड है, हम तो पूरी स्केप्टिकल सोसाइटी में रहते हैं, उसकी वजह यह कि कुछ लोगों ने सिस्टम को बड़ा खराब कर दिया है. अब उसमें से अच्छा नाम भी अपने आप को मनवाना सबसे मुश्किल काम है. जैसे उनको हमारे पे ट्रस्ट नहीं है, हमें स्टूडेंट पे ट्रस्ट नहीं है, ये मैं साफ पहली दफा इंटरव्यू में आपको बात कर रहा हूँ. हम ये कह रहे हैं ये प्रोसेस तो प्रूवन है, इट वर्क्स. रियलिटी ये है कि वो कहते हैं नहीं ये तो फ्रॉड आ गया नया, कोई बात नहीं, आप ये दिन में सोच रहे हैं. अब हमें ये नहीं पता कि स्टूडेंट इसको फॉलो थ्रू करके पूरा काम करेगा कि नहीं करेगा. आप ये बताएं पहले कि यह क्या ऑनलाइन पैसे कमाना रियल है? हाउ रियल इज इट? आई नो यू टोल्ड मी दैट यू मेड अ 7-figure, विच इज अ $1 million. अगेन इट्स अ वेरी हाई नंबर. मेजोरिटी ऑफ द पीपल वांट टू ओनली मेक $100 बेसिकली, दे वांट टू सी इट themselves. Until उसने $100 बनाया, वो यकीन ही नहीं कर सकता कि ये मिलियन बन सकता है. Seeing is believing, that's what's called in English. तो आप ये बताएं पहले तो ये real है. Second ये बात है, क्या वो ये खुद भी achieve कर सकते हैं? Third ये बात है,
इसमें मुश्किलात आती हैं जब आपने 10 रुपए से शुरू किया, पहला डॉलर बनाएगा, कड़ी कितनी खुशी हुई होगी जो पहला डॉलर जब आया होगा आपके पास, जब 100 डॉलर आएगा उससे और खुशी हुई होगी। ये मिलियन डॉलर को आप कभी ना देखें, उसे देखेंगे उसके पीछे जर्नी क्या है। अनफॉर्चुनेटली दैट जर्नी इज रियल हार्ड वर्क बाय द वे एंड दैट द टेस्टमेंट ऑफ योर विल्स कि आपने चलते जाना है, रुकना नहीं है। आप ये बताएं, मुझे तो सफर का पता है, मैं तो बहुत दफा लोगों को सुना चुका हूं, बल्कि वो बोर हो चुके होंगे मेरे से सुन सुन के। निशान साहब आप अपना बताएं, इसमें टेस्ट में विल क्या है, ये तीनों सवालों का आप जवाब दें। आई एम नॉट गोइंग टू लेट यू गो अंटिल यू आंसर ऑल दिस। नंबर वन, ये रियलिटी नहीं है। अगर ये रियल ना होता तो मैं और बहुत सारे पाकिस्तानी जो और बहुत सारे दुनिया में लोग, हम तो पाकिस्तानी प्रॉब्ली आई से वी आर नॉट इवन क्लोज टू व्हाट द वर्ल्ड इज डूइंग ऑनलाइन, और इंशाल्लाह विल गेट देयर आपकी एफर्ट्स से। ये जो रियलिटी का कॉन्सेप्ट है ना, इसको तो स्केप्टिकल माइंड, सिनिसिज्म हैज टू बी ओवरकम बाय वन वे और अनदर, ईदर बाय द पर्सनल एफर्ट और इफ समवन कैन हेल्प यू आउट टू गेट आउट ऑफ दैट सिनिसिज्म, यू हैव टू बी प्रिपेयर टू गेट आउट ऑफ इट। यानी कि ये जो शक शुबहात है, ये जो बेवकूफी वाले सवाल है, यार ये हो सकता है नहीं हो सकता, हियर आई एम, हियर आर सो मेनी अदर्स पाकिस्तानी जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खाली एक डोमेन में नहीं, डोमेन से मेरी मुराद वेब डेवलपमेंट, वेब डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, देयर आर सो मेनी अदर पाकिस्तानी पैशनेट पाकिस्तानी ऑनलाइन टेक्निकिंग, डाटा एंट्री, ब्लॉगिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, ओरेकल सेटअप, वर्चुअल डेटाबेस सेटअप, देयर आर मिलियंस ऑफ डोमेन्स, मिलियंस ऑफ स्किल्स व्हिच वन कैन गेट देयर हैंड्स ऑन, प्रोवाइडेड के वो सीखे। So as far as the question is concerned, ye real hai ki nahi hai, of course it is real, it is happening out there, aur is soch mein ki ye real hai ki nahi hai, isme phir 5-10 saal guzarenge. So someone has to, you know, talk to these people to get out of the cynicism. Enough said on this. So second cheez ye hai ki aap online kama sakte hain, nahi kama sakte, agar main aapka from memory agar sawal sahi sir, to definitely, but wo achievement aapko tab aayegi jaise aapne sir khud bola hai. आप जो पहला डॉलर कमाएंगे, बाय द वे स्पीकिंग ऑफ दैट $1, आई स्टिल हैव दैट $1 फेम, इट हैज माय फादर एंड माय मदर्स नेचर ओवर इट, आई स्टिल कीप दैट विद मी, और इट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, बिकॉज़ मुझे पता है कि कितनी एफर्ट के बाद वो एक फिगर कमाया गया था। सो पैसा बिल्कुल कमाया जा सकता है, लेकिन पैसा कमाने में भी एक फेज है ना, उसमें ये है कि डू यू वॉन्ट फिश इन हैंड, डू यू वॉन्ट टू गो आउट एंड कैच द फिश, बिकॉज इफ यू आर लुकिंग फॉर समवन who is going to catch a fish for you or give it in your hand, it's a different proposition than you going out, spending time, spending efforts, being patient, you know, giving a value proposition to your task and eventually catching that fish and coming back. It's a different experience. It's a delightful experience. Pakad ke machli dena aur khud pakadne mein bada farak hai. So yes, earning hai, but you will only realize, I'm talking to your audience, you'll only understand this once you catch the fish. अगर के दे देना तो मजे वाली बात नहीं है। और तीसरी बात कि इसका जो प्रोस्पेक्ट है, इफ आई यू नो फ्रॉम मेमोरी इफ आई स्टिल रिकॉल द क्वेश्चन, क्योंकि सिद्दीक साहब आपकी पेस को मैच करना, ओनली द गुरुज कैन डू इट, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। सो यस, डेफिनेटली डेफिनेटली, अगेन इफ यू लर्न द स्किल्स, इफ यू यू नो पॉलिश योर सेल्फ, टाइम लगाएं, पत्थर भी हीरा बनने से पहले पत्थर होता है, रॉ होता है, बहुत रॉ होता है, उसको तराशना पड़ता है, हैज टू बी पॉलिश, then it becomes diamond. So answer is yes. Thank you so much. आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। Hopefully आप अभी भी आप बात कर रहे हैं और आप इंस्पायर हैं कि आपने ये करना है। So I'm going to tell you something else. As I mentioned earlier, you have to learn from the best. It's not me. I'm not the teacher. I'm just a host. मैं आपके बिहाफ पे सवाल पूछूं अपने गेस्ट से। I'm trying to learn from my guest as you are trying to learn. We are learning together. So we are both are good students from the guest. So आप ये सीखना आपके हिसाब से, श्याम साहब आप ये बताएं, why is important to learn from someone who has done it successfully already? Why you even hire a mentor? Why is important? I look at a lot of your videos. The only answer you want to give out to the folks who are following you is the path you took initially was cumbersome, was difficult, you had to go through a lot of difficulties, there were a lot of stumbling blocks, you had to jump over those stumbling blocks. So why do they have to do this? I mean, if you had followed a path which is difficult, which is cumbersome, had stumbling blocks, why the people who are following you from your country, why do they have to go through the same path? If you can just teach them that what is the easy way moving forward, how you can go step by step with a little bit of patience, polishing your skills, have a passion, stay motivated, have a tunnel vision, that teaching would make a lot of difference to the people's life. So definitely coach and mentor are essential and integral value in everyone's life. It's not just
specific to one industry or one domain. It's a general worldwide concept. Everyone needs a mentor. Everyone needs a coach. आप सीखते हैं ना जहाँ पे इंसान कहता है कि मेरे सीखने की हद खत्म हो गई तो वहाँ पे तो वो फिर गड़बड़ हो जाती है. इसको मैं ज़्यादा I don't want to go at length to explain this. One needs a mentor and a coach. I have my mentors. I have my coach. Coaches whom I reach out to whenever the chips are down, whenever the shoulders are slouching, if you know what I mean. झुक जाते हैं कलर. We are human being. हम बशर हैं. गलतियाँ करते हैं. हम गलतियों की वजह से नुकसान उठाते हैं. But that doesn't mean one has to stop. You got to keep moving forward. So it's not, you know, you, me, or ain't nobody who can hit head as hard as life. But it is not about how hard you can hit. It is about how hard you can get hit and keep moving forward. That's how winning is done. Very well said. Einstein ne ye kaha tha ki the once you stop learning, you stop dying. Jo physically hum die karte hain, वो तो वो जब टाइम आपका कप हो गया वो तो हमने चले जाना है. लेकिन वी स्टार्ट डाइंग बिफोर इवन वी गो फ्रॉम दिस अर्थ. बाय द वे द मोमेंट वी स्टॉप लर्निंग वी स्टॉप डाइंग. आई डिड से दैट. इट्स आइंस्टाइन सेड इट. यू वांट टू रीड दैट वन. तो इसकी वजह से आपको लर्न करना है. लर्न आप हमेशा उस बंदे से करो, उस बंदी से करो जो ऑलरेडी हैव टेकन द डिफिकल्ट पाथ एंड मेड इट टू द फिनिश लाइन. वो कोच है. जैसे आप फ्लाइट पे जा रहे हैं या आप अपने डाइवो बस पे जा रहे हैं पाकिस्तान में, अगर वो इस्लामाबाद से लाहौर जा रही है, अगर वो ड्राइवर नया है, वो पहले कभी खुद नहीं गया, वो आपको कैसे लेके जाएगा? उसमें तो बड़े वो हमें रुक भी सकता है. अगर कहीं रास्ते में डिटूर लेना पड़ा तो वो आपको वो खुद उसको नहीं पता. आप कभी भी उस बस पे नहीं बैठेंगे, हालांकि उस रास्ते में वो 100 दफा वो जा चुका है. उसको यहाँ पता है अगर यहाँ पे सड़क बंद है तो डिटूर करवा के वापस कैसे रोड पे आना है. ये आपका मेंटर का भी यही काम है. दे हैव डन इट. दे डन दैट. दे लुक एट यू वेयर यू एग्जिस्ट राइट नाउ. दे लुक एट योर पॉइंट एंड हियर इज द डेस्टिनेशन. And then they keep point to point. They're watching you, giving you the GPS. Your mentor becomes the GPS with you either way. यहाँ से लेफ्ट कर लो, यहाँ से राइट कर लो. अच्छा, आगे सड़क बंद है तो यहाँ से ट्रैफिक बंद. अब इधर अमेरिका में जो GPS है वो तो ट्रैफिक भी बताता है कि यहाँ पे ट्रैफिक स्टक है, आप डिटूर कर लो. That becomes your mentor, by the way. That's the role why you need to have a mentor. I am not your mentor. हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मेंटर हैं, जो हमारे गेस्ट हैं वो आपके मेंटर हैं. मैं इन सब का स्टूडेंट हूँ और आई वॉन्ट टू लर्न एग्जैक्टली विद देम, विद यू एंड विद देम एट द सेम टाइम. इस बात को आगे बढ़ाते हैं. आप ये बताएं कि जो अभी बच्चे या बच्चियां पाकिस्तान से अभी तक वो इंस्पायर हुए हैं या नहीं हुए, वी विल ट्राई गिव देम समथिंग मोर एक्शनेबल स्टेप्स. आप ये बताएं जो वॉच कर रहे हैं अभी राइट नाउ, वुड यू हाउ वुड यू गिव देम 3 एक्शनेबल स्टेप्स. ये ऐसी है जैसे जेब कतरा आपकी जेब काट के लेके चला जाता है, आपको बताता भी नहीं, चोरी करता है. अब हम नॉलेज की चोरी की बात कर रहे हैं, हम जेब काटने की बात ही नहीं कर रहे. आप ये उनको 3 एक्शनेबल स्टेप्स दे दें जिससे वो जाके इंप्लीमेंट करें और आपका थैंक यू भी ना करें. डजंट मैटर, इट्स नॉट अबाउट यू, क्योंकि इट्स अबाउट देम. सो गो फॉर इट. 3 एक्शनेबल स्टेप्स. डेफिनेटली द 3 आर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू गॉट टू बी इंस्पायर्ड बाय समवन. इफ यू डोंट गेट एन इंस्पिरेशन इन योर डेली लाइफ, किसी भी चीज से, यू जस्ट कांट मूव फॉरवर्ड टू द रेस्ट ऑफ योर मिशन. अगर आपकी इंस्पिरेशन ही नहीं है, यू नो, कोई ना कोई तो होगा जिंदगी में जो आपको इंस्पायर करता है. वो कोई चीज हो सकती है, कोई जगह हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, कोई किताब हो सकती है विच इंस्पायर्स यू. मेरी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी किताबें, बहुत सारे ऐसे मेंटर्स हैं जो कि इंस्पायर करते हैं. वो इंस्पिरेशन हैज टू बी द नंबर वन एट्रीब्यूट, अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर यू टू इवन यू नो मूव टू द नेक्स्ट एंड द थर्ड वन. सो नंबर वन इज द इंस्पिरेशन. दैट्स माय एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स. नंबर टू इज Know yourself. सारी बातें अपनी जगह पे. अपने आप को तो समझो कि करना क्या चाहते हो. उस छोटी सी एज से बड़ा होने शुरू हुआ तो फलाने ने कहा कि तुमने डॉक्टर बनना है, आप डॉक्टर की तरफ चले गए. थोड़ा सा आगे टेंट हुए, डॉक्टर नहीं बनने का रुझान बना, या मेडिसिन नहीं पसंद आई, या बायोलॉजी नहीं पसंद आई, किसी ने लगा दिया कि फिजिक्स पढ़ लो, उस पटरी पे चढ़ गए. थोड़ा आगे चले, टकरे मारी, सर खाया, नहीं नहीं यार ये भी नहीं समझ लगती. यू नीड टू यू नो रेकग्नाइज योर सेल्फ. मैं बहुत छोटी सी उम्र में इस बात को ये समझने पे मजबूर हो गया था. इट्स नॉट लाइक आई एम गॉड गिफ्टेड. मैं ये समझने पे मजबूर हो गया था कि मैं मेरा व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय एग्जिस्टेंस, व्हाट डू आई वांट टू डू विद माय लाइफ, व्हाट डू आई वांट टू अचीव. वो जो नॉट बीइंग ड्रिवन बाय समवन इन एम्प्लॉयमेंट मोड वाली मैं बात कर रहा हूँ, वो मुझे मकसद समझ लग गया था कि मुझे ड्राइव करना बड़ा मुश्किल काम है. मैं ड्राइव कर सकता हूँ, बट फॉर मी समवन टू ड्राइव मी जॉब बेस में, ऑफ कोर्स नॉट इन द मेंटर और कोच फॉर्मेट, बट वो मुझसे 9 to 5 जॉब करवाइए, वो मेरे लिए शायद मुश्किल था. बट देन अगेन देयर आर सक्सेस स्टोरीज जो कि एज अ सीईओ रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, दैट दे हैव डन जॉब ऑल थ्रू देयर लाइफ बिकॉज दैट सूटेड देम, एंड उनका टनल विजन था कि व्हाट दे वांट टू अचीव इन देयर लाइफ. सो नो योरसेल्फ, अपने आप को पहचानो, करना क्या चाहते हो. दैट्स द सेकंड थिंग. सो फर्स्ट इज बी इंस्पायर्ड,
मेरी सब जिंदगी में जो है ना बी 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 होता है, तो बी इंस्पायर्ड विद जनाब. दूसरी बात, नो योरसेल्फ एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज गोइंग टू बी रियली अनऑर्थोडॉक्स सिद्दीक साहब, नन ऑफ द कोचेस वुड हैव यू नो वुड टेल यू अबाउट दिस, बट I want to take this liberty since you are doing this interview, and that is the risk, R-I-S-K. इसको vague concept में भी लिया जा सकता है, छोटे concept में भी लिया जा सकता है, और दो महीनों में भी लिया जा सकता है. One is the risk, which is in English. You all know what risk is, and the other is the risk, जो कि उर्दू में है. आप सबको वो भी पता है वो risk क्या है. So मैं ये जो तीसरी चीज़ है ना, यो डर गया, डर गया, डर गया, डर गया. Fear does not get you go anywhere. You are as big as, okay, मेरा report है. मैं बड़ा फेसबुक पे फखर से बताता हूँ, अपनी कोचिंग्स पे फखर से बताता हूँ, यू आर एज बिग एज यू चैलेंज योरसेल्फ. अपने आप को उस लेवल पे तो लेके जाओ. डर के अगर रह जाएं कि हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, मरता क्या ना करता, फिर यू नो व्हाट इज नेक्स्ट. सो रिस्क इन इंग्लिश. नाउ वी टॉक अबाउट द रिस्क इन उर्दू. उन चीजों से सीख लेना जो अल्लाह ने, सुबह सुबह जाती हैं और खाली मुंह जाती हैं और सारा दिन अपना यू नो डिफीट देमसेल्फ्स. And then they come back empty beat. अब empty beat के खत्म वापस आने का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि उस जात पे तवक्कुल कि जिसने उनके लिए रिस्क डिफाइन किया है, उनको पता है कि उनको मिलेगा. ये जानवरों को समझ लगी है, इंसानों को भी समझ लग जानी चाहिए. ये रिस्क फैक्टर निकल जाए ना, पहली दो बातें समझ में आ जाए, रेस्ट इज सेकेंडरी. दैट दिस इज व्हाट माय फिलॉसफी इज. माशाल्लाह, वेरी वेल सेड. ये देखें, जब आप अच्छा खाना खाते हैं तो आपको अच्छा फील होता है ना कि यह बड़ा मजा आया आज खाने खाने का. ये तो आप अपनी बॉडी को फीड कर रहे हो. तो मेरा क्वेश्चन ये है, आप रोज माइंड को क्या फीड करते हो? दैट्स द क्वेश्चन. अब उसमें नहीं, मैं किताब मैंने बहुत पढ़ ली, अभी मैं मैसी के मास्टर कर ली, पीएचडी कर ली. अब बात ये है कि आप सारी जिंदगी तो आप टीचर से पढ़ते रहे हो, अभी आप बिजनेस करते. मैं बिजनेस खुद ही कर लूंगा. कैसे कर लोगे भाई? ये तो सिस्टम पूरी दुनिया में टीचर के बगैर आपने कुछ नहीं सीखा. पहले पेरेंट्स आपके टीचर थे, घर में माँ थी टीचर, फिर कभी बाप भी था जब माँ बाप के पास टाइम होता था, फिर उसके बाद स्कूल में आपके टीचर थे, और उसके बाद आपने बिजनेस खुद ही करना है. कहाँ से करना है भाई? किससे सीखा है? सीखो आप उसी से जो दुनिया में टॉप पे है, आपके अपने फील्ड में. जो ग्राफिक का काम करना चाहते हैं, ग्राफिक का जो टॉप के 10 लोग हैं, दे शुड बी योर फ्रेंड. अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव डन ओवर 1300 बिजनेसेस. मैं फेल हर उस बिजनेस में हुआ हूँ जिसमें मेरे टॉप के लोग फ्रेंड नहीं थे, उसमें फेल हो गया हूँ. अब तो मैंने सिस्टम ही वो ढूंढ लिया है. वेयर एवर आई वांट टू गेट इनटू, आई वांट टू मेक द टॉप 20 पीपल इन दैट फील्ड माई फ्रेंड. आई कैन कॉल देम 3 AM, दे विल आंसर माई कॉल. दैट लेवल ऑफ फ्रेंडशिप. वो ये नहीं कहेगा मैं तो सो रहा था, वो ये कहेगा आई एम ग्लैड यू कॉल्ड मी. दैट्स अ डिफरेंट रिस्पॉन्स. I know he is sleeping. जब आपके 20 लोग उसके फ्रेंड बन जाएंगे, no, you pick up 1, 2, 3 of them, your mentors from that top. जो बंदा खुद टॉप पे है, वो आप उसका 1/10th भी आप सीखेंगे, तो you will be top 10. 1/100th भी सीखेंगे, you will be top 100 in that business. जो बंदा खुद ही 100 में पोजिशन पे है, उससे आपने क्या सीखना है? उससे सीखोगे तो 1% में 1% is irrelevant, by the way. आपने बात की कि वो मैं आप मतलब आप लीडर हो, आप एंटरप्रेन्योर हो. एंटरप्रेन्योर अनएम्प्लॉयबल होता है, एम्प्लॉयमेंट लोग ढूंढने होते हैं. मैं तो अनएम्प्लॉयड हूँ, बिल्कुल अनएम्प्लॉयड हूँ, 100% मैं आपको बात कर रहा हूँ. बड़े सालों से अनएम्प्लॉयड हूँ. आई एम प्राउड ऑफ माय अनएम्प्लॉयमेंट बाय द वे, यूके बिके मैं अनएम्प्लॉयबल हूँ. मुझे लोग कहते हैं कितने पैसे चार्ज करते हैं, मैं कह वे ओवर प्राइस, यू कैन अफोर्ड मी, फॉरगेट अबाउट. लेट्स टॉक अबाउट वैल्यू, लेट्स सी इफ आई कैन डिलीवर द वैल्यू व्हाट यू वांट. लेट्स फोकस ऑन वैल्यू एक्सचेंज इंसटेड ऑफ ट्राइंग टू talk for money, because money is not, you can't afford me on that one. And 99% I get them as a client when I answer like this one. Kyunki aapko apne kaam ka pata hona chahiye. Agar aapko apne kaam ka nahi pata, to aapke mentor, aapke jab top 10 mentors honge, there's no way you can get stuck, by the way. How? There's no possible. Aap unse discuss karoge, ye nahi puchoge kya haal hai, usse seedhe problem ki baat karoge. Unke paas every second, every minute is counted in their life. Jab unse baat karoge ki I need 3 minutes of your time, here is the topic, get on a call. You finish their call in 2 minutes and 59 seconds. That way they give you the next time. Whether you have 3 minutes ki baat karke, 6 minutes baat kar li, next time you are not going to get a time from them. You need to learn that one, how to do a time management second by second. Is it possible? Yes. I have done it over the years. I learned it. It's a skill. Donald Trump, Bill Gates, aap Hisham sahab aur aap watch kar rahe hain, aur mere paas ek hi cheez common hai, by the way. Hamare paas roz Allah Taala hame 24 hour reset kar aapko 12 baje deta hai. How much you achieve? आप अचीव करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप अचीव करता है, बिल गेट करता है, मैं करता हूँ, सारा वो हमारे जिस तरह हम उसको मैनेज करते हैं. टाइम तो सेम है. ये ना बताएं कि मैं स्टडी कर रहा हूँ, एग्जाम हो रहे हैं, मैं बहुत बिजी हूँ, आई डोंट हैव अ टाइम. प्रायोरिटी नहीं है, टाइम की बात नहीं है. ये चीज मैं नहीं कह रहा, ये एलेक्स मेंडोज़ा ने इसमें बताया, आई डोंट हैव अ टाइम. यू कैन वॉच दैट वीडियो बाय द वे. चले हिशाम साहब, इस बात को आगे चलाते हैं. ये बड़ा मजा आ रहा है आपसे बात करने के. ये बताएं कि मैं आपसे एक सवाल पूछने लगा हूँ. आई नीड योर यस आंसर ऑन दैट वन. क्योंकि आपने इतने अच्छे हमें आइडियाज दिए हैं,
I want you to be a mentor to Pakistani Social Entrepreneurship Academy students. We are on a mission to train 1 million entrepreneurs in Pakistan. Main ye chahta hu ki har mahine aap hame 15 minute dein. It call will start on time and it will end on or before time. That's my promise to you. And virtually every time I'm trained on that. So aap 15 minute de rahe, usse hum decide karenge us mahine mein jo top 3 things hain jo aapne learn kiye hain aur jo student ko aap transfer kar sakte hain, wo main aapse puchunga. Top 3 things, that's the only thing we have, is one question, 3 answers and call finished. Hamara goal ye hai ki jo duniya ke top ke log hain, you are one of them and I'm really proud of you being knowing as a Pakistani. Ye bada aapka wo andar se khoon jalta hai, ye Pakistan ki itni buri cheeze bahar aati hain lekin asal mein achhi cheeze bhi hain. Achhi cheezon ke liye hame dhoondna padta hai ki acche kaun hai. Log hame connect karate hain. Bahut shukriya, ye main akela bhi nahi kar sakta, aap bhi akele nahi kar sakte, hame sabko milke karna hai, isliye main aapko daawat de raha hu. Ab sawal ye hai ki do I have your yes answer? Yes. Definitely, yes. Is that a sound yes? Big yes. Not just a small yes, it's a big yes. Oh my God, I feel like we should be talking on this interview, extending the interview for next 1 hour after this one, because now I got you as a friend. Whatever you wish, Siddique Saab, whatever it takes, if I can pay back to the community, if I can pay my role and, you know, step up to teach others, just like you have taken on this mission of, you know, empowering the 1 million kids. It's all about giving back to the community. This is what I am already doing as a digital philanthropist, and I'm a mentor. I'm a teacher to a lot who want to learn, who probably, if they can understand that they don't have to go through that cumbersome path which I went, and if they're open to suggestions and open to being taught, then, and if your audience wants me to come every month, you got my big yes. Oh, they want you to come, by the way, because I'm asking on their behalf, not on my behalf, you know. And thank you so much. By the way, jab se hum ye baat kar rahe hain, ek cheez main note kar raha hu, aapne ye shirt pehni hui hai, ye side pe kya hai, ye greens hai, ye bataye isme kya chakkar hai? Yes, Siddique Saab, this is my brand. After people have, you know, they know through the pro Pakistani blog, bahut sare logon ne attempt kiya to reach out to me on Facebook, by emails, aur har ek ek sawal tha. So that gave me a hope. But one of the story which really touched my heart, because I'm not a teacher, honestly. I'm a freelancer, my organization, one of the story which really touched my heart is a story of a single lady, two children, from Karachi. She sent me a message on Facebook, I think, yes. और उन्होंने मुझे कहा कि जी मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू वर्क फ्रॉम होम. आई एम डिसेबल आफ्टर कार एक्सीडेंट. आई एम डाइवोर्स्ड. मुझे वो छोड़ गए. आई हैव नेवर मेट द लेडी इन पर्सन. कभी भी नहीं मिला. कराची में रहती है. मैं इधर इस्लामाबाद में. और अगर आप सिखाएंगे तो मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है. स्वाइप दुआएं के. और ये जो दो बच्चे हैं मेरे, प्रॉब्ली आई यू नो व्हेन दे ग्रो अप दे नो देयर वाज, आई विल टेल देम दैट देयर इज समवन who helped your mother when she needed the most, because the guy who was supposed to look after your mother has left her, has divorced her. Siddique Saab, it was a late evening, pichle week ki baat hai, aur main bada soch. To maine kaha nahi, I have to step up. Insaan ki zindagi mein shayad meri zindagi ka purpose mujhe ab ye samajh lagne laga hai ki mera jo experience hai, jo mera knowledge hai, wo aage chala jana chahiye. Har insaan ka ek purpose hota hai. So maine jab apne andar jhanka, उस खातून के इस मैसेज ने दैट हैज चेंज माय लाइफ. एंड देयर आर मिलियंस ऑफ सो मेनी अदर मैसेजेस लाइक दिस. अब आप ये फेसबुक पर डालेंगे, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू टैग मी. वो जो नीचे बच्चे हैं वो खुद इस बात को समझ जाएंगे कि वो कितना सीखना चाहते हैं. सो आई डिसाइडेड टू कम अप विद अ ब्रांड. गुरु इज द फ्रीलांस मार्केटप्लेस वेयर आई वर्क एंड आई हैव डन ओवर सेवन फिगर इनकम. आई एम वेरी सक्सेसफुल अल्हम्दुलिल्लाह. आई हैव क्रिएटेड अ कंपनी आउट ऑफ इट. So I decided to come up with a name, Being Guru. So Being Guru is going to be a sort of like a social teaching online platform. It is going to teach everyone free without them paying a single dime for the teaching or for the tuition fees. And I will empower all the kids who get onto that platform. We'll be putting a lot of videos, a lot of learning literature so that they can go back and forth with the videos and learn the art of freelancing, how to get started all the way till, you know, closing out of the deal. And then alongside this freelancing expertise which I'm offering, I'm I've requested the other giants, the big giants of the industry, to help me out and teach kids in the other domains. For example, SME, if someone wants to learn web design,
there would be a guru and mentor to teach them with, you know, using videos of how the web design is done, so on and so forth, moving on to the graphic designing, you know, blogging, application development, iPhone application, Android application, and there are so many. It is a diverse field, you know, it's a big sea. So the idea is to have a brand by the name Beam Guru and empower all Pakistani IT talent who want to learn freelancing so that they can be financially independent. I'm going to put my videos over there. And the idea is to stay in touch with those people so that the lady which we are talking about in no month's time, so to speak, she probably, inshallah, financially independent and she gets started freelancing. Dua mil jayegi sir. چلیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. بائی دا وے جو لیڈی کی بات کر رہے ہیں, دیٹس کنسیڈر دیٹ از میٹافور. ہر انسان کی اپنی پرابلم ہے اور ہر انسان اپنے پرابلم میں, ہر کی اپنی سٹوری ہے, ان کی وہ سچویشن ہے کہ وہ ڈیورس ہیں. اگر ریالٹی یہ ہے کہ اگر آپ فائنینشیل انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں تو مینٹلی آپ بھی ڈیورس ہیں, یہ میں بتا دوں آپ کو. آپ نے اپنا مائنڈ کسی اور کو دیا ہوا ہے. ڈیورس ڈزنٹ ہیو ٹو بی ہسبینڈ اینڈ وائف ریلیشن شپ, یہ ڈفرنٹ ٹائپ کی ڈیورس ہوتی ہیں. آپ کو ساری پرابلم سے ڈیورس لینا ہے اور اپنے آپ کو وہاں سے نکالنا ہے. آپ اس کنویں کے اندر ہیں, آپ کو یہ پتا نہیں ہے کہ اس کیا باہر کیا ہو رہا ہے دنیا میں. آپ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہشام صاحب سے مل کے, ہشام سرور سے مل کے, میں اور بہت سارے گرو مل کے ہم آپ کو کنویں سے سیدھا سلامت باہر نکال لیں, تاکہ باہر آپ کو فریش ایئر آئے, پتا چلے یار باہر بھی کوئی زندگی ہے. اور جو آپ جب فوڈ آپ کوئی آپ پیکٹ دیکھتے ہو, اگر آپ اس کے اندر آپ کا ہاتھ ہو رہا, آپ اس کے اندر ہوں, یو کین ناٹ ریڈ اے لیبل فرام ان سائڈ دی جار, یو ہیو ٹو بی آؤٹ سائڈ ٹو ریڈ اے لیبل. Until you can read the label, you don't even know what you are eating, by the way. You have to read the label first. Ye hai kya cheez? Uske liye aapko bahar dekhna padta hai pehle. Bahar dekhne ke liye you need a mentor. Isliye hum baat kar rahe hain ki aapko us bande se seekhna hai, un logon se seekhna hai. Wo koi bhi ho sakta hai, aapke ghar mein bhi ho sakta hai. Doesn't have to be us anyway. Message ye tha aapka. To bahut shukriya Hisham sahab, main bahut khush hoon ki aapne support kiya aur Allah taala aapko is pe kamyab kare. Aur inshaallah kabhi future mein hamare isme hum koi na koi cheezon pe hum mutual venture koi na koi kar sakte hain. Thank you Hisham Sarwar for sharing your wisdom with us today on the behalf of Pakistani Social Entrepreneurship Academy and its entire community. We appreciate you. This is Muhammad Siddique signing off from Atlanta, wishing you good luck, good sales, and I did hope our path across again with another amazing guest. Until then, Allah Hafiz.